अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब चंगे होंगे। और रात के बज रहे हैं जी 12 और मेरे बालों को लग गई है भूख, क्योंकि तुहानू पता है लाहौरी लोग जिहड़े है ना पंजाबी, इन्हां रज के भी रोटी खाधी होवे ना, जिन्नी देर तक बाहरों नहीं ना कुछ खा लेना, ढिड नूं सुकून नहीं आना ते नींद नहीं आनी। टाइम नजर आ रहा आपको? हां जी, क्योंकि असीं पंजाबी 12 बज गए, असीं खाना शोरमा ते अगे लगो। इन्हां ने खाना जी शोरबा ते पैसे दुबई शोरबा, हूं दुबई लैन जावा। दुबई शोरबा पैसे दो अपने अपने, मेरी की लाटरी निकली। यूट्यूब चैनल चल पिया, ये इत रुपया नहीं आता पिया, जो आएगा तो इंशाल्लाह ताला तुहानू दुबई जाके शोरबा खवावांगा। अच्छा, दुबई जाके? हां, गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरे 1 मिलियन छेती छेती हो, ताकि मैं एक छोटा सा जो है ना कोई 5-6 कनाल का घर बना लूं, और कोई प्राडो लैंड क्रूज ने एक दो छोटी छोटी गाड़ियां ले लूं, और फिर जो है ना मजे समझ दो ना मजे। चलो अगे लगो मजे यार। अच्छा, मैं पिंडा दे लोगों को वेखना पिया, साढ़े तो कैमरिया का रिजल्ट ही कोई नहीं चंगा है, साढ़े को एडे चंगे कैमरे नहीं। पिंडा दे विच जिहड़ियां माइयां ते कुड़ियां कच्चे घर लेप किए हुए ते अंदर भावें ए सी लगे हो, एक तो उन्होंने मिलियनज व्यूज जाते हैं, मिलियनज उन्होंने फॉलोअर्स हो गए रातों रात। असी जे शहर के लोग हाँ जिन्होंने 4-4 साल हो गए ने अपना टैलेंट विखाते लोगों यूट्यूब से टिकटॉक के उत्ते इंस्टाग्राम के उत्ते हज़ारा रीलां बना छड़िया, हज़ारा कॉन्टेंट बना छड़े ने, और यानी लोगों इंटरटेन करने वास्ते उन्होंने कोल गड्डिया कोठियां, ये खुरे कितों आ गए यार, तो नाले उन्हां कोल कैमरे कितों आए ने एडे महंगे। साढ़े तो कैमरे का रिजल्ट है ही नहीं, उन्होंने को पता नहीं आईफोन 15 ते केड़े केड़े कैमरे ने, सारे उर्दू बोलते पे, सारे कह रहे हैं। गाइज अब हम देखें कि हम ये सुबह का टाइम है, परांठे बनाने लगी हूँ, तो गाइज ये मेरे बाल आ गए हैं, हमारी कुकड़ी बीमार हो गई है, हमारी मज बीमार हो गई है, हम लेप करने लगे हैं अपने कोठे को इधर छत को, अब ये गाइस हम सब्जी ये पुटने लगे हैं। अच्छा, पंजाबी नू लोग सपोर्ट करते ही नहीं पे पाकिस्तान दे विच ना, अच्छा इंडियन भी नहीं करते पे, मजा एक पाकिस्तान ते इंडिया दे विच पंजाब दा कल्चर बिल्कुल खत्म हो चुका जे। ठीक है, जिन्हें पाकिस्तान दे तुसी देख लो पंजाबी इत्थे विलोगर है ने, सब उही मशहूर हो रहे ने, जिहड़े शहरां दे साडे वर्गे लोग ने जिन्हां कोल जां टैलेंट हैगा वे, उह चाहे पिंड च होवे टैलेंट, टैलेंट नूं सपोर्ट करना चाहिए, उन मैं नहीं कहिंदा, लेकिन कुछ लोग एवें सिर्फ खच्चा मारी जा रहे ने, कुछ भी नहीं करन दे, लेकिन उन्हां नूं एसईओ करना किवें आ गया, उन्हां दे यूट्यूब चैनलों का एसईओ कौन करन दिया हैगा वे, कोई पता नहीं लगता पिया हैगा। तो साढ़े भी यार यूट्यूब नूं कोई चला लवे भाई, साढ़े को पैसे ले ले महीने के, सानू एसईओ दे नहीं समझ आती, साढ़े चैनलों के व्यूज ही नहीं आते, उन्होंने चैनल इंज वीडियो चढ़ती जनाब 6 महीने 3 महीनों च मिलियन फॉलोअर, तो 4-4, 5-5 लाख ते मिलियन 2-2 मिलियन उन्होंने व्यूज आते पे ने ना, तो 6 महीनों बाद उन्होंने टोर ही बदल जाती बंद की, वो बहाते ने जी अब ये हम घर बना रहे हैं, ये देखें एक कनाल का हम नया घर, वो 6 महीनों के भाई जी एक केड़ा कोई सोना देंदे पे ने यूट्यूब वाले, जो सानू देन लगे उन्होंने मसला होंगे, सानू भी कोई दो। ठीक है जी, ए गजब बट जिहड़ा हैगा वे या जिहड़े टक्की पक्की गए ने सारे, इन्हां कोल इन्ने अरबां रुपये कित्थों आ गए ने यार, ये किहड़ा यूट्यूब दे विच सोना उगण दिया, तो सानू भी गाइड करो, साडे नाल भी पार्टनरशिप करो। तो जिहड़े मेरे फॉलोअर्स ने उन्होंने पता है कि मैं इंटरटेनर हाँ, मैं कॉमेडियन हाँ, इंटरटेनर हाँ, और प्लस मैं आर्टिस्ट हाँ, कैलीग्राफी करना, पेंटिंग्स बनाना, मेरे को इन्ने टैलेंट तो है ने, इन अलावा मुर्गियां पालन का टैलेंट, बकरियां पालन का टैलेंट, मझां पालन, ये सारे टैलेंट मेरे को है ने, मेरे को जगह नहीं गी, नहीं तो मैं यहोजा कच्चा सैट लावा ना पिछे, यानी लेप करके जिमें पिंडा दे विच अजकल व्लॉग बनाते पे ना, तो तुसीं ये नोट किया होना सारे के घर नवें लेप होए ने, नवें तुहानू खुद पता लगेगा सैट लगा आ वे, इस सैट के उत्ते शूटिंग हो रही है। मेरा मसला है कि मेरे घर के एक्टर नहीं है, उन्होंने कोल एक्टर है ने, अच्छे करैक्टर है ने, मैं आप ही प्रोड्यूसर हाँ, आप ही राइटर हाँ, आप ही डायरैक्टर हाँ, आप ही सारा कुछ आप ही गाव, एडिटर भी आप ही हाँ। ये देखें ये गाइस, ये मेरा मुंडा है, ये देखें, और इस चवल नूं कैमरे के सामने आते हुए डर लगता है, कैमरे के सामने नहीं आते मेरे बाल, तो इसलिए मैं कल ही खपन दिया, तो भरजाई हौली हौली मैं वो मूँह तिनका पवा के
ਦੁਪੱਟਾ ਛੁਪੱਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੈਗੇ ਜੇ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਫਾਰਗ ਜੇ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਲੈਣ, ਲੈਟਸ ਗੋ। ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਪਿੰਡ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਗਾਓ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਸੜਕੇ ਇੱਧਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਰੇ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਮੇਂ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾਏ, ਤੋ ਇਹ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਿੰਡ ਕਾ ਮਾਹੌਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਲੇਜ ਵਲੌਗ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਠੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆਪ। ਯੇ ਅਭੀ ਮੁਝੇ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਕੇ ਸਾਥ ਵੋ ਘੁਮਾਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਵੋ ਮੁਝੇ ਘੁਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ। ਯੇ ਦੇਖੇ ਇਹ ਕੋਠੀ, ਇਹ ਮੈਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਇਹ 12 ਮਰਲੇ ਕੀ ਕੋਠੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਬਹਿਣ ਭਾਈਓ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਤਾ, ਤੋ ਵੇਖਾ ਆਪਣੇ ਇਹ 12 ਮਰਲੇ ਕੀ ਕੋਠੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਆਖਾ ਥਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਠੀ ਬੰਗਲਾ ਖਰੀਦੂੰਗਾ, ਤੋ ਆਜ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਕੋ ਆਖ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਸਰ। ਲਓ ਜੀ ਗਾਇਸ, ਹਮਾਰੇ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਮੇਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਵਿਲੇਜ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਹਨੇਰਾ ਘੁੱਪ ਘੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਵਲੌਗ ਬਣਾਊਂਗਾ ਤੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬਲਾਕ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਤਾ ਹੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਖੋਲੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦੋ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਰੰਦਾਨੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਾਏ ਜਾਏ। ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਸ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਆਪਕੋ ਵਲੌਗ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਤੇ ਹੈ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੇ ਕੇ ਪਾਸ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿਲੇਜ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਲੇਜ ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਕਾ, ਤੋ ਇਹ ਇਸਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਹਮ ਲੇਗੇ ਸ਼ੋਰਬਾ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਯੇ ਪਰੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਕੂੜੇ ਕੇ ਡਰੰਮ ਪੜੇ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੂੜਾ ਲੋਕੋ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਬਾ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕਿਤਨੇ ਗਏ ਸ਼ੋਰਬਾ? ਲਓ ਜੀ ਗਾਇਸ 200 ਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਦੂਜਾ ਕਿੰਨੇ ਕਾ? 250। ਏਕ ਮੈਂ ਸਲਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋੜੋ ਤੋੜੀ, ਜਿੱਧਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ ਲੋਕ ਖਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਜੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵਾਕ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਲੋਰੀਏ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਐਸ ਸ਼ੋਰਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਆਹ ਹਮ ਲੈਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੋਤਲ। ਇਹ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਨਰਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਦੇਖੇ ਅਬ ਹਮ ਇੱਧਰ ਸੇ ਲੇਂਗੇ ਜੀ ਬੋਤਲ। ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਵਿਲੇਜ ਕਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਬਣਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਕਵਾਲੀਆਂ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਕਵਾਲੀਆਂ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਚਾਹ ਕੇ ਸਾਥ, ਐਸੇ ਇੱਧਰ ਕਵਾਲੀਆਂ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੋਤਲ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਇਸ ਸਟੋਰ ਮੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਪਕੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਭੇਗੀ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਚਿਕਨ ਚੁਕਨ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮੇ, ਬੋਤਲੇ, ਚਿਪਸ ਚੁਪਸ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸ਼ੈ ਆਪਕੋ ਇੱਧਰ ਸੇ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਰੋਕਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਗਲਾਸ ਕੱਪ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਐਲੋ ਅਤੇ ਐਲੋ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਰਖੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ, ਪੇਸਟਾਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਟੁੱਥ ਬਰੱਸ਼ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਆ,
सफाइयां झाड़ू दीयां चीज़ां भी। लो जी गाइस ये देखो किड्डा वड्डा स्टोर है, इत्थे दुनिया की हर शै लभती है जनाब। ये देखो ये बालों के खिडौने, अद्धी रात नूं जे बाल होवे ना अबू जी मैनू नहीं पता मैं गड्डी लैनी है गड्डी लैनी है हुणी लैनी है, तो अबू जी आके इत्थे गड्डी भी लै सकदे रात नूं 2-3 बजे। पूरी रात यह स्टोर खुला है तो बहुत वड्डा स्टोर है, हर शै इधर से आपको लभ जाएगी, हर शै लभ जाएगी इधर। ये देखे भांडे बर्तन इधर लभ रहे हैं, इधर गुड़ियाँ भी लभ रही हैं, ये देखो ये गुड़ियाँ। अब टुरपो अपना समान चुको वहाँ से, चलो ये बोतल दे पैसे तुसी ते 100 रुपया पापड़ दा मैं देना। बड़े सियाने ये अपनी और पापड़ का फटीक मुझे डाली है 100 रुपये की, तो इधर रोह भी मिलती है रात को 2 बजे, इधर रोह भी मिलती है जनाब। ये हमारे विलेज का स्टाइल है लाहौर जोहोटाउन विलेज, ये पीछे आपको रोह नज़र आ रही है, रोह भी मिलती है, वो सामने भी रेड़ी है एक रोह वाली। ये हमारे विलेज में मसाजर भी है, ये पीछे छन छन आ रही है ना, ये भाई मसाजर है मसाज करता है। और ये हमारी डिवाइन बेकरी भी है हमारे विलेज में जोहोटाउन विलेज में। तो आज मैंने सारा ब्लॉग इसलिए उर्दू में बनाया कि पंजाबी में आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश और उर्दू में आपको ब्लॉग बना के दिखा दिया। मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ पर थोड़ी हौली हौली, समझ गए ना। हमारे गांव में ना पिज़्ज़ा है, यानी जोहोटाउन विलेज का मशहूर पिज़्ज़ा है ये। और कल परसों में मैं आपको तरीका बताऊँगा कि मेरे इतनी तेज़ी से फॉलोअर कैसे बढ़ रहे हैं, उसका मैं तरीका बताऊँगा कि मैं अपने फॉलोअर कैसे इतने जल्दी बढ़ा रहा हूँ, सारा आपको तरीका बताऊँगा। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे 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 तो ऐसे में और ऐसे में क्या फर्क, ऐसे में सामने नजर आएगा, ऐसे में आप नजर आएंगे। गाइस ये हमारे विलेज के बच्चे हैं, ये आप देख रहे हैं पीछे, ये पीछे हमारे विलेज के बाल जो है ना टिकटॉक ने बना रही हैं। लो जी गाइस जिवें शाहरुख ने आख्या सी ना, ये एक दिन बंगला मैं खरीदूंगा जदों दी जेब च रुपया भी नहीं सी। मैं भी तुहानू कहण डिया आ 12 मरले का मकान जड़ा ना यह मैं ही खरीदना, जे एक कमरे तो एक कनाल दे विच आ यूट्यूब तो ही कमाने ने मैं पैसे। गाइस एक दिन ऐसी गाड़ी में मैं बैठूंगा वेखना, यह फड़ अपना शोरबा। लो जी गाइस बालों का यह शोरबा शोरबा लै आंदा जी, तो इधर मेरे वाल जरा ध्यान करो। मैंने आज आपको उर्दू में ब्लॉग बना के बखा दिया है कि मुझे भी उर्दू आती है, जो पिंडा थाव वाले सारे उर्दू बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकता, ठीक है। और इंग्लिश मैंने आपको बताया मुझे इंग्लिश मैं स्पीक सकता हूँ बट हौली हौली। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा ब्लॉग चंगा लगा होगा, और कई लोग ही अभी नीचे कमेंट लिखेंगे कि आप ना मेहरबानी करके पंजाबी में बनाएं, तो पंजाबी 2-4 ही भैणा भरा हैं जो मेरे देखते हैं मेरा ब्लॉग, क्योंकि अगर ज़्यादा देखते होते तो मेरे व्यूज़ लखों में आते, ठीक है। तो अगर 100-200 व्यू आ रहे हैं मेरी वीडियो के, तो अगर 1 मिलियन आए व्यू तो इसका मतलब है कि मेरी ये वीडियो ठीक जा रही है। तो अगर जदों आपके व्यू आए कुछ 100-200 में, तो इनका मतलब है कि आपकी वीडियो ख़राब जगह पर जा रही है, यानी कि उर्दू बोलने वालों के पास मेरी वीडियो जा रही है तो मैं बोलता हूँ पंजाबी, तो पंजाबी वालों के पास बहुत घट लोगों के पास जाती है मेरी। अब जैसे मैं अभी उर्दू में बनाया मेरा पूरा ब्लॉग, तो ये अगर पंजाबियों के पास जाएगा तो पंजाबी नहीं देखेंगे, अगर उर्दू वालों के पास जाएगा तो वो देखेंगे। तो मेरा हिसाब से ना सारे यूट्यूब ते ज़्यादा उर्दू चलते हैं ब्लॉग, लोग पसंद नहीं करते पंजाबी को, लेकिन मैनू पंजाबी पसंद है। तो लेकिन मैं उस शर्त पे बनाऊंगा कि अगर मेरी वीडियो पे हर बंदा लिखेगा जी पंजाबी लव यू, पंजाबी लव यू, तो फिर मैं बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट में ये लिखेंगे कि आई लव पंजाबी लैंग्वेज, तो मैं इसलिए फिर पंजाबी स्पीकूंगा। तो अपना बहुत ख्याल रखना, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह पाक आपके रिज़क में बरकत दे, सबको सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और जिनके पास औलाद नहीं अल्लाह उनको साहिब औलाद करे, और जिन बच्चों के या बच्चियों के ब्याह होने वाले हैं अल्लाह ताला उनको अच्छे नसीब करे, और कदर करने वाले आगे से
फैमिलियों के साथ, उनके रिश्ते हों, और अल्लाह ताला रिज़क में बरकत और सेहत तंदरुस्ती सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और मेरे लिए भी दुआ करें क्योंकि मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मुझे TIA का प्रॉब्लम है। तो वो जिन लोगों को पता है या यूट्यूब से सर्च करके वो देख सकते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत तकलीफ़ दे एक ये भी बीमारी है। अल्लाह ताला सबको निजात दे जितने भी मेरे बहन भाई हैं। तो बस आप लोगों की सिर्फ दुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बाकी